हेलो एवरीवन, मेरा नाम अक्षता अग्रवाल है और मैं क्लिनिकल डाइटिशियन हूँ। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सीरीज का। तो आज का क्वेश्चन बहुत ही रिक्वेस्टेड और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कि वेट लॉस कैसे करें, हाउ टू लूज वेट। तो वैसे तो देखिए, जो वेट लॉस जर्नी है वो एक कस्टमाइज प्लान से ही हो सकती है। अगर आप अपने हिसाब से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को प्लान करवाते हैं कि क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, क्या आपकी डिजीज़ कंडीशन है, उसके हिसाब से प्लान हो तो ही आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है। पर मैं यहाँ पे कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी अपने वेट लॉस जर्नी से, जिसमें मैंने अभी 11 केजीज लूज़ किया था इन अ स्पैन ऑफ 5 to 6 months। तो क्या चीज़ों ने मुझे हेल्प करी, मैं वो यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए भी हेल्पफुल होंगी। सबसे पहली चीज़ जो सबसे बड़ी मिस्टेक कर रही थी, वो मैं क्या करती थी कि समर टाइम में मैंने डाइट अपनी स्टार्ट करी थी, तो मार्च के आसपास मैंने स्टार्ट किया था। तो क्या होता था कि कभी कभी आपको कुछ ठंडा पीने का मन करता है एंड यू डोंट वॉन्ट टू टेक लेमनेड और यू डोंट वॉन्ट टू टेक कोकोनट वाटर। तो मैं क्या कर रही थी कि मैं डाइट कोलाज ले रही थी। तो ऑल दो 1 या 2 ही लेती थी एक दिन के अंदर, लेकिन वो एडिक्टिव होता है, तो मैं रेगुलरली ले रही थी। और उससे क्या हो रहा था कि मुझे ना वेट ब्रेक करने में दिक्कत हो रही थी। तो मैं ये नहीं समझ पा रही थी कि जब उसमें कोई कैलोरीज नहीं है तो मेरा वेट क्यों नहीं टूट रहा। बट फिर भी मैंने उसको मतलब एज ए एक्सपेरिमेंट छोड़ के देखा। जैसे ही मैंने उसे छोड़ा, विद इन 7 to 8 days मैंने ऑब्जर्व करा कि मेरी बॉडी की जो इंचेज़ हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं, मेरी जो स्वेलिंग थी बॉडी के अंदर जो मुझे नहीं पता थी उस समय की है वो कम हो रही है, और मेरा जो वेट इन नंबर्स है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो गया। मुझे ये तो नहीं पता कि कैसे डाइट कोलास जो हैं वो बॉडी में स्वेलिंग क्रिएट करते हैं, मे बी जो उनमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो किसी किसी बॉडी को सूट नहीं करते, बट डाइट कोलास के एक्सेसिव कंजम्पशन से स्वेलिंग बॉडी में होती है और उसकी वजह से आपको वेट लॉस करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही कीजिए कि आप डाइट कोलास को क्विट कर दीजिए। वंस इन अ वाइल लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आप मेरी तरह रेगुलरली ले रहे हैं तो उसको क्विट कर दीजिए, उससे वेट लॉस नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं क्या कर रही थी, आई यूज़ टू हैव अ अर्ली डिनर। तो मैं 7:30-8 बजे तक अपना डिनर कर लेती थी। इससे मुझे क्या फ़ायदा होता था कि एक तो खाने को डाइजेस्ट करना इजी होता था, तो मेरा जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव हो गया, जिससे इंटर्न मेरा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव हो गया। और सेकेंडली, क्योंकि रात तक मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो अगर आप बहुत लेट डिनर करते हैं तो आपका बेली फैट जो है वो इंक्रीज़ होता है और वेट लॉस करना मुश्किल होता है। तो इससे मुझे वेट लॉस करने में बहुत हेल्प मिली। तीसरी चीज़ मैं क्या करती थी कि आई यूज़ टू पिक माई डिनर वेरी केयरफुली। जब मैं अपना डिनर प्लान करती थी तो उसके अंदर, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ, तो प्रोटीन के लिए मैं दाल या फिर पनीर खाती हूँ, तो लेकिन वो मैं डिनर में प्लान नहीं कर रही थी। तो उसका क्या कारण था कि देखिए, जो प्लांट प्रोटीन होता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी पुअर होती है। अब क्वालिटी पुअर होने की वजह से क्या होता है कि ये जो प्रोटीन है ये धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, और क्योंकि मेटाबॉलिज्म रात को ऑलरेडी स्लो है तो क्या होता है कि ये दाल जो है कभी कभी डाइजेस्ट हो या ना हो ज़रूरी नहीं है, और उस वजह से आपका बेली फैट इंक्रीज़ होता है और वेट आपको रिड्यूस करने में मुश्किल होती है। तो मैंने एज एक्सपेरिमेंट क्या करा कि मैंने रात को जो मेरा डिनर होता था उसमें मैं मोस्टली अपने सीरियल और वेजीज रखती थी, और उसके अंदर मैं किसी भी तरह का कोई प्लांट प्रोटीन नहीं प्लान करती थी। उससे मुझे वेट ड्रॉप करने में, बेली फैट ड्रॉप करने में, इंचेस कम करने में बहुत हेल्प मिली। अगली चीज़ मैं क्या कर रही थी कि मैं अपने ब्रेक जो भी मेरी मेन मील्स होती थी, लंच एंड डिनर, उसके बाद मैं विद इन 30 मिनट्स लूक वार्म वाटर या हॉट वाटर कंज्यूम करती थी अप टू 150 ml। इससे मेरा डाइजेशन भी बूस्ट होता था और मेरे को फैट लॉस करने में, बेली फैट लूज़ करने में भी बहुत हेल्प मिली। इसके साथ साथ दो चीज़ें और इंपॉर्टेंट हैं, ये तो बेसिक टिप्स हो गई, इसके अलावा दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा। थ्राइस अ वीक मिनिमम आपको कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है अलॉन्ग विद योर डाइट, तभी आपको और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मैंने सिर्फ डाइट करके भी देखा है, मैंने सिर्फ एक्टिविटी करके भी देखा है, बट जब आप इन दोनों को साथ में करते हैं तो रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाता है। तो मिनिमम थ्राइस अ वीक, एटलीस्ट फॉर 40 मिनट्स ईच सेशन आपको फिजिकली एक्टिव रहना है। फाइनल जो चीज़ मेरे को हेल्प करी वो थी फूड डायरी। मैं डेली अपना इनटेक लिखती थी, सुबह से शाम तक मैंने क्या खाया। कभी कभी क्या होता है कि घर में ऐसी कोई छोटी बड़ी चीज़ें होती है जो चलते फिरते आप ऐसे ही मुँह में डाल लेते हो, खा लेते हो, बच्चे का कुछ बचा आपने खा लिया कि भाई वेस्ट क्या करना। इससे क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जो एडिशनल कैलोरीज, हिडन कैलोरीज आपके डाइट के अंदर जा रही है आपको मालूम ही नहीं चलता, क्योंकि वो आपको याद तो रहेंगी नहीं जब आप रिकॉल करोगे, आप अपनी डाइटिशियन को बताओगे या आप खुद अपना एनालिसिस करने बैठोगे। तो फूड डायरी से क्या हेल्प होता है, क्योंकि हमें सुबह से शाम का याद रहता है, तो सुबह से शाम का उसमें इनटेक लिख लेते हैं। तो इनटेक लिखने से क्या होता था, मुझे पता चलता था कि मैं एक दिन में कितना कैलोरी इनटेक कर रही हूँ, और उससे नेक्स्ट डे मैं और कॉन्शियस हो जाती थी, उससे नेक्स्ट डे मैं और कॉन्शियस हो जाती थी। तो ऐसे करते करते मेरा जो कंप्लायंस था वो इम्प्रूव होता चला गया और जो मेरे को वेट लॉस करना था वो और इजी होता चला गया।
तो हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, हर किसी की बॉडी में डिफरेंट रिजल्ट आता है, पर ये कुछ ऐसी टिप्स हैं जो हर किसी के लिए काम करती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो और आपकी वेट लॉस जर्नी में ये आपको हेल्प करे जैसे इसने मुझे किया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको शेयर कीजिए क्योंकि वेट आजकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। और वेट से रिलेटेड आपके और भी कोई क्वेश्चंस हो तो उसको कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। कुछ और हेल्पफुल वीडियोस किए हैं मैंने वेट लॉस पे, उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, उसे जाके ज़रूर देखिए, उनसे भी आपको हेल्प मिलेगी। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, और तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि ऐसे हेल्पफुल कॉन्टेंट मैं पोस्ट करती रहती हूँ। थैंक यू।